हेलो स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज मैं आपको कराने वाला हूं अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है। तो आज हम पहुंच चुके हैं द लेक्चर नंबर 5 ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखो, अब तक मैंने आपको ये बता दिया है कि अकाउंटिंग जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है। अब हम बारी आएगी अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं। जैसा कि आपको बता चुका हूं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट जिसको मैं अकाउंटिंग एजम्पशन भी बोलता हूं, और एक अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं। तो अब ये सब तो मैं आपको बता चुका हूं, पर अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं, चलो पहले इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द कस्टम और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस विच इज एडॉप्टेड एदर बाय जनरल एग्रीमेंट और अ कॉमन कॉन्फिडेंट अमाउंट द अकाउंटेड अक्रॉस द ग्लोब। अरे सर, कितनी डिफिकल्ट इसमें लैंग्वेज है, समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं आपको समझाता हूं ना, बैठा हूं ना मैं आपके लिए। देखो, अकाउंटिंग जो ना जो कंसेप्ट होते हैं ना, अकाउंटिंग कंसेप्ट वो गाइडलाइंस होती है, वो रूल्स होते हैं, वो हर कंपनी को फॉलो करने ही करने होते हैं। मतलब हर कंपनी को फॉलो करना होता है ये वाले कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, एक्रुअल, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग कॉप, ये सब कंपनी को फॉलो करने हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई एक कंपनी बोले मैं ये फॉलो नहीं करूंगी। एवरी कंपनी हैव टू फॉलो दिस, ये एक गाइडलाइन है। बट ये क्या है, ये जैसे जैसे हमारी जो अकाउंटिंग नॉलेज इंप्रूव होती है, जैसे जैसे नए नए केसेस आते हैं दुनिया के अंदर, तो हमें एक नई दिशा मिलती है। तो यहां पे इनके रूल्स नहीं है, इनके रूल्स नहीं है, पर ये एक तरह से गाइडलाइन है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाओ या जब बैलेंस शीट बनाओ तब आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। मतलब एक तरह से ये प्रथा चली हुई आ रही है कि ये सारी कंपनी नॉर्मली फॉलो करती है। जरूरी नहीं है फॉलो करना, बट अगर आपको अपनी कंपनी की इमेज अच्छी दिखानी है लोगों के अंदर ये इमेज बताने की हाँ भैया कि मेरी कंपनी सारे अच्छे अच्छे रूल फॉलो करती है, वी आर फॉलोइंग द बेस्ट ऑफ जो भी इंडिया के रूल्स है, तो आपको ये फॉलो करना चाहिए। तो अकाउंटिंग जो कन्वेंशन होते हैं, दीज आर द कस्टम और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस विच इज एडोप्टेड, नॉर्मली ये सारे अकाउंटेंट दुनिया के अंदर ये फॉलो करते ही करते हैं, बाय जनरल एग्रीमेंट और कॉमन कन्वेंशन। सपोज करो अभी AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, अगर उसकी वजह से है ना, मतलब है ना, कोई अकाउंटिंग के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। अब अकाउंटिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं, अभी तक रूल्स तो बने नहीं है, बट हाँ सारे अकाउंटेंट बैठ के डिस्कस करते हैं, देखो जब तक अभी रूल्स वूल्स नहीं बनते काम करते, ये तो अपने को फॉलो करना ही चाहिए टू हैव अ गुड फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन जो भी कंपनी का होगा। तो ये होता है अकाउंटिंग। तो दोनों के अंदर फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंटिंग जो एजम्पशंस होते हैं या अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं वो लीगल एक्सेप्टेंस होते हैं, वो सब कंपनी को फॉलो करना होता है। ये एक तरह से गाइडलाइन है, गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे रखी है, लॉ ने, इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइन दे रखी है कि ये आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आपको एक अच्छी कंपनी को अगर आपको पोर्ट्रे करना है तो यू हैव टू फॉलो दिस, इट इज बेसिक कंसेप्ट। इसके बेसिस पे जनरल एंट्री रिकॉर्ड होती है, जैसे कि मान लो मैंने फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, जनरल एंट्री से रिकॉर्ड होती है, पर इसके बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनता है। एक्चुअली आपको बात बताऊं, अकाउंटिंग कन्वेंशन प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के अंदर यूज होता है नॉर्मली, कि ये दिखाएं या नहीं दिखाएं। यहां पे तो ये मैंडेटरी है बेस, यहां पे तो आपको करना ही करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना ही करना पड़ेगा। अब यहां पे क्या थोड़ी ना पर्सनल जजमेंट आ जाता है, पर्सनल जजमेंट, यहां पे पर्सनल जजमेंट बहुत कम होता है, यहां पे होता ही नहीं है। एक बात बताओ, मैंने एक लैपटॉप लिया 50,000 का, अब उसको रिकॉर्ड करना है नहीं करना, बट अब उसको रिकॉर्ड करना है, उसके पास बिल है, हाँ बिल है, बिल के बेसिस मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो यहां पे कोई पर्सनल जजमेंट है ही नहीं कि मैं इसको 50 में रिकॉर्ड करूं, 40 में रिकॉर्ड करूं, 60 में रिकॉर्ड करूं, कोई पर्सनल जजमेंट नहीं है। जो अपने को जो बिल है उतने पे रिकॉर्ड करूंगा पर्सनल, पर इसमें थोड़ा पर्सनल जजमेंट आता है। इसमें ये आता है, इसको रिकॉर्ड करना चाहिए क्या, इसको ऐसे दिखाना चाहिए क्या, क्या ये दिखाने से मेरी जो पिक्चर है, जो मेरी बैलेंस शीट है, या मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो सही दिखेगा क्या, तो दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, दिखाऊं तो कितना दिखाऊं, इतना अमाउंट दिखाऊं, इतना अमाउंट, यहां पे पर्सनल जजमेंट है। अभी आपको मैं बताऊंगा तो पर्सनल जजमेंट कैसे आएगा आपको मालूम चलेगा। यहां पे यूनिफॉर्मिटी है, नॉर्मली सारी एंटरप्राइज फॉलो करती है, कॉस्ट कंसेप्ट, एक्यूरल कंसेप्ट, अकाउंटिंग, पेड कंसेप्ट, सब फॉलो करती है,
पर ये यूनिफॉर्मिलिटी नहीं है। कोई कंपनी फॉलो करती है, कोई कंपनी नहीं फॉलो करती है, पर जो कंपनी ये फॉलो करती है वो कंपनी जो इन्वेस्टर की नज़र में वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। जो आप बड़ी बड़ी कंपनी देखते हो ना, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेट्रा, ये सब है ना, नॉर्मली सब जो अच्छे अच्छे रूल्स होना है वो फॉलो करती है। क्लियर है? चलो, तो अकाउंटिंग कन्वेंशन मेजर तीन टाइप के होते हैं। एक होगा आपका द कंजर्वेटिव कंसेप्ट, जिसको मैं प्रूडेंस कंसेप्ट भी बोलता हूँ। दूसरा होता है फुल डिस्क्लोजर, और तीसरा होता है मैटेरियलिटी कंसेप्ट। सर, तीनों में फर्क क्या है? चलो पहले अपन तीनों में फर्क नहीं जानना, अपन को तीनों को समझना है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन के अंदर आज अपन डील करते हैं ये कंजर्वेटिव कंसेप्ट क्या है। तो देखो, कंजर्वेटिव कंसेप्ट और प्रूडेंस कंसेप्ट, मैं आपको बात बता देता हूं, यहां पे अकाउंट्स की दुनिया का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है द कंजर्वेटिव कंसेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है द कंजर्वेटिव कंसेप्ट, और इसको मैं प्रूडेंस कंसेप्ट भी बोलता हूं। सर क्या कहता है? मतलब बाकी सब तो इंपॉर्टेंट है ही, वो एक्यूरियल कॉस्ट वो सब इंपॉर्टेंट है, पर ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका लॉजिक क्या है। तो आज मैं आपको लॉजिक भी क्लियर कर दूंगा कंजर्वेटिव अप्रोच का। देखो, कंजर्वेटिव अप्रोच क्या बोलता है, एज पर द कंजर्वेटिव और द प्रूडेंट कंसेप्ट ऑल द एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट एंटीसिपेटेड प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज। है वो बोल रहा है कि जितना भी आपको पूरे साल में फायदा होने वाला है वो आप डिस्क्लोज करोगे, जितना भी आपको पूरे साल में फायदा होने वाला है वो आप डिस्क्लोज, सॉरी नुकसान होने वाला है वो आप रिकॉग्नाइज करोगे, फ्यूचर का नुकसान भी आज रिकॉग्नाइज कर लोगे, ऑल द एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज बट एंटीसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। मतलब अगर फ्यूचर में कोई नुकसान हो रहा है और आज वो कंडीशन मीट हो रही है तो आप फ्यूचर का वेट मत करो, आज ही वो लॉस रिकॉग्नाइज कर लो, पर अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो आज रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, वो फ्यूचर में करोगे। सर ऊपर से गया, मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं ना। देखो, मैं आपने पूरे ना आपके पापा मम्मी ने पूरे साल आपको पूछा, बच्चों बताओ, आपको पूछा अकाउंट में कितने मार्क्स आएंगे, आपने पापा मम्मी को बोला 100% मार्क्स आएंगे, 100%। मम्मी ने पूछा जुलाई में, पूछा कितने मार्क्स आएंगे अकाउंट में, 100%। अगस्त में पूछा पापा ने कितने आएंगे, 100%, मेरा अकाउंट में टॉप करूंगा, 100 100 100, पूरे साल आप गाना गाते रहे 100% 100% 100%। अब आया रियल रिजल्ट का दिन आया और आपके परसेंटेज आए 97%। सर ये तो बहुत अच्छा परसेंटेज है। हाँ, पर एक बात बताओ, आपने जो अपने पापा मम्मी को उम्मीद कितने की दे रखी थी, 100% की, अब आप पापा मम्मी के सामने गए कितने परसेंटेज आए, आपने कहा 97। तो अब मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं कि वो इसको देख के दुखी होंगे या खुश होंगे। खुश तो होंगे, 97 इज अ वेरी हाई परसेंटेज, बट मनी मन सोचेंगे यार पूरे साल तो 100% गाता रहा ये बच्चा और लाया 97, 3% कहां चले गए। तो देखो ना, आपने उम्मीद 100% की खड़ी कर ली, पहाड़ 100% खड़ा कर लिया। अभी विराट कोहली बोले मैं तो अगले मैच में 100 रन मानूंगा, अगले मैच में 100 रन मानूंगा, पर ठीक है अगले मैच में वो 82 पे आउट हो गया, तो आप क्या दुखी हो गया क्या? हाँ हो गया ना यार, 100 रन का वादा किया था। इसलिए लॉ यही बोलता है, भाई साहब आप लोगों को ऐसी रोजी रोजी पिक्चर मत दिखाओ कि हाँ हाँ मेरा ये होगा। आज अगर सपोज करो मेरी कंपनी है और मुझे है ना कोई ऑर्डर आता है, ठीक है ना, कोई 2 करोड़ का मुझे लग रहा है ऑर्डर आने वाला है, 2 करोड़ का ऑर्डर आने वाला है, तो क्या मैं वो 2 करोड़ का ऑर्डर आज ही रिकॉग्नाइज कर लूँ? अरे आएगा तब रिकॉग्नाइज करूंगा ना, मैं ऐसे नहीं दिखा सकता लोगों को कि मेरे पास 2 करोड़ का ऑर्डर आ गया। अरे उसने सिर्फ बात की, एक कस्टमर ने मुझे बोला है कि शायद मैं तेरे को 2 करोड़ का ऑर्डर दे दूंगा, तो मैं क्या गाना गा लूंगा मेरे को 2 करोड़ का ऑर्डर आ रहा है, 2 करोड़ का ऑर्डर आ रहा है? नहीं, जब तक आएगा नहीं आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। तो यहां पे आपने गाना गाया 100% का, आए आपके 97%, वेरी गुड परसेंटेज, बट कंपेरिट अगर अपन कंपेयर करेंगे तो वो ना पापा मम्मी थोड़े से दुखी होंगे, बिकॉज आपने एक्सपेक्टेशन बहुत सेट की। एक और बच्चा है, उसने पूरे साल पापा मम्मी को बोला कितने मार्क्स आएंगे, उसने बोला मेरा 80% तो मार्क्स अकाउंट्स में आराम से आ जाएंगे, फिर बोला और जुलाई में कितने आएंगे, 80 81 82 आ जाएंगे, आराम से आएंगे, और उसके भी 97% आए। उसने जो एक्सपेक्टेशन जो अपने लोगों को बनाई वो बनाई 80% आ जाएंगे, और रियल में आए 97%।
तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेशन उसने कम बनाई पर आया ज़्यादा, तो अब लोग खुश होंगे ना, अरे वाह यार गजब या 97 आ गया, आए दोनों के 97, पर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा दे दी, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मैंने कम दी है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स खुश होंगे कि हाँ चलो भाई एक्सपेक्टेशन इसने कम दी है और उसने ज़्यादा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। तो यहाँ पे लॉ यही बोलता है कि भैया अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो उसको आज ही रिकॉग्नाइज कर लो। जैसे कि सपोज करो कि मैंने एक पेन बेचा मिस्टर राहुल को, मैंने सामान बेचा 1 लाख रुपए का, मैंने सामान उसको बेचा 1 लाख, मैंने कब बेचा, सपोज करो 31/3/22 को बेचा, ठीक है ना, 31/3/2022 को मैंने उसको सामान बेचा, ठीक है ना। अब राहुल से अभी तक पैसे नहीं आए, राहुल से उसको पैसे नहीं आए। अब उसने कहा कि मैंने कहा तो पैसे कब देगा, उसने कहा मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, सपोज करो उसने कहा कि 31/3/25 को दूंगा, कब दूंगा, 31/3/3 साल बाद देगा। मैंने कहा चल तेरे को मैं जानता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू सामान लेके जा, पर तू मुझे पैसे 3 साल बाद दे देगा ना। राहुल ने कहा अरे यार आराम से दे दूंगा, तू चिंता क्यों करता है। अब हुआ क्या कि राहुल को मैंने कहा कि ठीक है अब मैंने बैलेंस शीट बनाता हूँ, मैंने बैलेंस शीट बनाई, मेरी बैलेंस शीट 31/3/23 को ये मेरा एसेट है, ये मेरा लायबिलिटी है, मुझे राहुल से 1 लाख रुपए लेने हैं। भाई मैंने राहुल को सामान बेचा 1 लाख का, तो मुझे उससे 1 लाख रुपए लेने हैं। हाँ सर लेने हैं ना आपको 1 लाख रुपए, तो एक बात बताओ, मुझे जब किसी से 1 लाख रुपए लेने होते हैं तो वो तो मेरा एसेट के अंदर आएगा। हाँ सर वो आपका एसेट में आएगा। अब हुआ क्या, अगले दिन उसको मुझे पैसे कब देने, कब देने, ड्यू कब है, वो कब देगा मुझे पैसे, वो मुझे पैसे 31/3/2025 को देने वाला है। अब हुआ क्या, अगले साल जब मैं बैलेंस शीट बना रहा था, तो मुझे ना मालूम चला यार कि ये जो राहुल है यार वो जो पैसे है ना वो शायद ना वो क्या कहते हैं इंडिया छोड़ के भाग गया, दुबई भाग गया, अमेरिका, लंदन कहीं भाग गया, और अब मुझे पता है कि मैं कितने भी लॉयर लगा दूं मैं उससे वो 1 लाख रुपए नहीं निकाल सकता, तो अब मुझे लगेगा यार अब क्या ये मेरा नुकसान हुआ या नहीं हुआ, ये मेरा नुकसान हुआ। सर कैसे, अरे यार आपको राहुल से कितने रुपए लेने हैं, आपको राहुल से 1 लाख रुपए लेने हैं, आने कब है, 2025 में आने हैं, बट आपको 2024 में लग रहा है कि भाई साहब वो पैसे डूब गए आपके 2024 के अंदर, तो इसका मतलब है मेरा नुकसान हो गया। तो क्या मैं फ्यूचर का वेट करूं, 1 साल और वेट करूं कि भाई राहुल 2025 को पेमेंट करेगा, नहीं। अगर मुझे आज की डेट पे लग रहा है, कि मेरा नुकसान हो गया है, तो मैं आज ही रिकॉग्नाइज कर लूंगा, फ्यूचर का वेट नहीं करूंगा। यही कंजर्वेटिव कंसेप्ट बोलता है, जिसको मैं प्रूडेंस कंसेप्ट बोलता हूं। अगर मुझे आज मालूम चल गया है, भले ही मेरे पैसे साल भर बाद आने थे, पर मुझे आज मालूम चल गया है कि वो पैसे नहीं देने वाला, फ्यूचर में पैसे नहीं देगा, वो भाग चुका है, कुछ भी कर लो मैं पैसे नहीं निकलवा सकता, कंडीशन फुलफिल हो गई है, तो भैया मैं आज ही वो लॉस रिकॉग्नाइज कर लूंगा, और जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा उसमें आज ही रिकॉग्नाइज कर लूंगा, मैं सारे लॉसेस रिकॉग्नाइज कर लूंगा। मतलब मैं रिकॉग्नाइज कर लूंगा कि भैया मेरा लॉस हो गया, कितने का हो गया लॉस, 1 लाख का लॉस हो गया, मैं आज ही, मैं फ्यूचर का वेट ही नहीं करूंगा। भले ही मुझे पैसे फ्यूचर में आने थे, पर मुझे आज की डेट पे लग रहा है कि भाई साहब वो पैसे नहीं आने वाले, तो खत्म, आज की डेट पे स्टोरी खत्म, मैं आज ही रिकॉग्नाइज करूंगा, फ्यूचर का वेट नहीं करूंगा। क्लियर है, यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा तो सर आपने ये तो बता दिया कि आपको ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस रिकॉग्नाइज करने हैं, बट आपको एंटिसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करना, ये क्या मतलब हो गया। चलो एक और इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूँ। सपोज करो कि मैंने एक कस्टमर को 1 लाख का सामान बेचा, ठीक है ना। अब मुझे लग रहा है कि यार वो कस्टमर है ना खुश होके मुझे 1,20,000 रुपये देगा। सपोज करो मैंने मिस्टर अनिल को 1 लाख का सामान बेचा, ठीक है ना। अब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जब मैं एक्सपेंस दिखाऊंगा या मैं इनकम दिखाऊंगा,
इनकम दिखाऊंगा तो मैं क्या दिखाऊंगा, 1 लाख रुपए इनकम दिखाऊंगा। बट अगर मुझे लग रहा है नहीं यार वो 1 लाख की जगह क्या पता कस्टमर मेरे सामान से बड़ा खुश हो जाए और वो मुझे 1,20,000 रुपये दे दे, तो क्या मैं वो 1,20,000 रुपये इनकम रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ क्या? कतई नहीं, क्योंकि मैं बेटर देन रोजी पिक्चर नहीं दिखा सकता। मैं नहीं दिखा सकता कि मुझे फ्यूचर में 1,20,000 मिलेंगे। अरे भैया मैंने अनिल को सामान बेचा 1 लाख का तो मुझे 1 लाख ही मिलेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल सकता अपनी रिपोर्ट के अंदर नहीं शायद वो खुश हो जाएगा मेरे सामान से और वो मुझे 20,000 रुपये और देगा, तो मेरे तो 1,20,000 रुपये है तो मैं जो इनकम रिकॉग्नाइज करता हूँ वो 1,20,000 करता हूँ। नहीं, यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज। आप एंटीसिपेटेड जो आप पहले से सोच रहे हो वो आप रिकॉग्नाइज प्रॉफिट नहीं कर सकते, लॉस रिकॉग्नाइज कर सकते हो, प्रॉफिट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको फ्यूचर में लग रहा है कि वो अनिल 1 लाख की जगह 90,000 ही देगा तो आप यहां पे 90,000 रिकॉर्ड करोगे, पर अगर आपको लग रहा है वो 1 लाख की जगह 1,20,000 देगा तब आप 1,20,000 रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। बिकॉज मैं एंटीसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, मैं एंटीसिपेटेड लॉस रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। और यही वो कंसेप्ट बोलता है, एज पर द कंजर्वेटिव कंसेप्ट वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट एंटीसिपेटेड जो प्रॉफिट है वो मैं रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल बता चुका हूं, अगर मैं कस्टमर को सामान बेचता हूं 1 लाख का, मुझे लगता है 90,000 आएंगे फ्यूचर के अंदर, 10,000 रुपये वो कतई नहीं देगा तो मैं इनकम 90,000 ही रिकॉर्ड करूंगा। पर अगर मुझे लगता है कि नहीं यार वो मुझे 1,20,000 दे सकता है खुश होके, तो मैं 1,20,000 रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, मैं 1 लाख ही करूंगा। जब वो देगा तब 20,000 रुपये रिकॉग्नाइज करूंगा, पर आज की डेट पे मैं 1 लाख ही रिकॉग्नाइज करूंगा। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया एंटीसिपेटेड। अब एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है हम क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होती है ये कहां कहां यूज होता है, ये कंजर्वेटिव कंसेप्ट यूज होता है जब हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं, तब हम इसको वैल्यू करते हैं कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। देखो ये एक मैं एक है ना वो बनाता हूं, मैं एक सीडी बनाता हूं, ठीक है ना, डीवीडी बनाता हूं। मेरी डीवीडी की जो कॉस्ट प्राइस है वो 6 रुपये है। क्या है? 6 रुपये मेरी कॉस्ट प्राइस है। तो अब 31 मार्च को उसकी मार्केट प्राइस 5 रुपये ही है। मतलब अब होता क्या है, डीवीडी तो कोई खरीदता नहीं है। डीवीडी मेरी कितने की पड़ी? एक डीवीडी मुझे बनाने की जो लागत है, जो कॉस्ट है, वो 6 रुपये पड़ी। अब मुझे लग रहा है यार ये 6 रुपये जो है ना, ये है ना मेरी कॉस्ट है। अब मार्केट में बेचते जाओ ना, ये लोग खरीदने को तैयार ही नहीं है। मैंने कितने में खरीदोगे डीवीडी? 10 में खरीदोगे? नहीं खरीदूंगा। 9 में खरीदोगे? नहीं खरीदूंगा। 8 में खरीदोगे? नहीं खरीदूंगा। 6 में खरीदोगे? नहीं खरीदूंगा। 5 में खरीदोगे? हाँ 5 में खरीद लूंगा। है मेरी तो बनाने की खरीदी 6 रुपये, पर मैं 5 में बेचने को तैयार हो जाऊंगा आगे, क्योंकि कोई खरीद ही ना। अरे कुछ भी आए, 1 रुपये भी आए तो भी अब मेरे को कुछ बेचना तो पड़ेगा ना, क्योंकि कोई खरीद ही नहीं रहा। बन चुकी है सीडी, मेरे पास बहुत सारी सीडी बनी हुई है, दुकान पे पड़ी हुई है, बनी हुई दुकान पे। अब बेचनी तो है ना मुझे। मेरी घर की खरीद 6 रुपये है, पर मार्केट में लोग 5 रुपये में ज़्यादा नहीं देंगे। तो एक बात बताओ, कंजर्वेटिव अप्रोच क्या बोलता है, द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस क्या बोलता है? द प्रूडेंस कंसेप्ट बोलता है, भाई साहब आपको लग रहा है ना 6 रुपये की चीज़ 5 में बिकने वाली है फ्यूचर के अंदर, तो भैया आपका 1 रुपये का नुकसान हो गया? नहीं हो गया? हो गया ना। तो आप 1 रुपये का नुकसान आज ही रिकॉग्नाइज कर लो, फ्यूचर का वेट मत करो। आपको पता है आपकी सीडी फ्यूचर में 6 में नहीं बिकने वाली, 5 में बिकेगी। आपका तो नुकसान हो गया भाई साहब, 1 रुपये का 6 रुपये का बनाते हो, 5 में फ्यूचर में बेचोगे, 1 का नुकसान होने वाला है। तो वो फ्यूचर का वेट मत करो भाई साहब, आज ही रिकॉग्नाइज कर लो। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करोगे आप 5 रुपये में करोगे, ना कि 6 रुपये पे करोगे, 1 रुपये का नुकसान आज ही कर लोगे। अच्छा, अगर अब मुझे लग रहा है, सपोज करो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इसकी जो प्राइस है वो 10 रुपये है। सपोज करो मुझे लग रहा है 10 रुपये। मैंने सीडी कितने की बनाई? 6 रुपये की। मुझे लगता है ये तो सीडी 10 रुपये में आराम से बिकेगी, तो क्या मैं ये सीडी बुक्स में 10 रुपये में दिखा सकता हूं? नहीं। क्यों सर? अभी तो आपने कहा था 5 में दिखा सकते हो। हाँ दिखा सकता हूं, पर 10 में नहीं। क्यों? मेरी लागत कितनी है बनाने की? 6 रुपये। तो अब फ्यूचर में मुझे लग रहा है 10 में बिकेगी। अच्छा 4 रुपये प्रॉफिट में बिकेगी। पर कंजर्वेटिव अप्रोच बोलता है
फ्यूचर का आप आज रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। फ्यूचर में जो गेन हो रहा है आपको 4 रुपए का, 6 रुपए की चीज बनाई 10 रुपए में बिकने को तैयार है, 4 रुपए का फ्यूचर में हो रहा है, तो फ्यूचर का गेन एंटिसिपेटेड प्रॉफिट आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो मेरा जो 4 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है वो मैं आज रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, मैं तो 6 रुपए पे ही रिकॉग्नाइज करूंगा जो मेरा सामान है फीडी का, जो मेरा एफेट है। अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो अगर मेरा कोई पूछेगा कि मेरे पास फीडी जो है वो कितने रुपए की है, वो 6 रुपए की मैं बनाऊंगा, भले ही मार्केट में 10 में बिकने वाली हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर उसकी मार्केट वैल्यू 5 रुपए है, अगर मार्केट में 5 रुपए है तो मेरा नुकसान पर एंटिसिपेटेड लॉस हो गया तो मैं उसको 5 में रिकॉग्नाइज करूंगा, पर अगर मेरी जो मार्केट प्राइस 10 रुपए है तो मैं 10 रुपए में रिकॉग्नाइज नहीं करके 6 में करूंगा। मैं एंटिसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करता, एंटिसिपेटेड लॉस रिकॉग्नाइज जरूर करता हूं। क्लियर है? ओके, समझ में आया? पर एक है लिमिटेशन क्या, कंजर्वेटिव अप्रोच के बहुत सारे लिमिटेशन है और 3 मेजर लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन है, इट कैन ओवरस्टेट द लायबिलिटी एंड अंडरस्टेट द एसेट। होता क्या है, कंजर्वेटिव अप्रोच से ना कभी कभी ना मैं ये सोचता हूँ कि सपोज करो कि मुझे, जब मैंने राहुल को सामान बेचा था 1 लाख का, मुझे लग रहा है कि शायद वो पैसा नहीं देगा, पर हो सकता है वो पैसा दे दे। तो भैया ऐसा हो सकता है ना कि मैं कोई गलत एजम्पशन ले लूँ, मेरा पर्सनल बायस है ना, मुझे लग रहा है कि राहुल 2025 में पैसा नहीं देगा, मैंने आज ही लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया, आज ही कर लिया। हो सकता है वो साल भर बाद मुझे कॉल करे, दीपक मैं तेरे को पैसा देने वाला हूँ, तो यार मैं तो यही लॉस रिकॉग्नाइज किया। तो कभी कभी क्या होता है, मैं अपने एसेट को अंडरस्टेट कर लेता हूँ, मैं एसेट को क्या करता हूँ, अंडरस्टेट कर लेता हूँ, मतलब मुझे पता है, मुझे लग रहा है शायद राहुल पैसा नहीं देगा, पर हो सकता है वो दे भी दे, तो मेरा जो एजम्पशन है वो गलत भी तो सकता है। कभी आप कभी किसी दोस्त को पैसा देते हो, आपको पता है, आपको लग रहा है वो शायद पैसा नहीं देगा, आपने आज ही उसको लॉस मान लिया, हो सकता है जब वो ड्यू डेट आएगी वो आपको फोन करने वाला था कि भैया मैं तेरे को पे करने वाला हूँ, पैसा आ जाता आपका, पर आपने एजम्पशन गलत ले लिया। तो कभी कभी ये लिमिटेशन है कि पर्सनल बायस इसके अंदर बहुत है। इट मे लीड टू अ सीक्रेट रिजर्व। होता क्या है, जब मैं अपना लॉस दिखाता हूं तो मैं अपना प्रॉफिट कम कर रहा हूं, प्रॉफिट जैसे जैसे मैं कम कर रहा हूं, इनडायरेक्टली मेरा जो प्रॉफिट में एक सीक्रेट रिजर्व बन रहा है। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये सब समझ में आएगा जब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सिखाऊंगा, तो जब आपको समझ में आएगा कि मैं ज्यादा खर्चे दिखा रहा हूं जबकि मेरे खर्चे है ही नहीं। जब मैंने एज्यूम कर लिया 1 लाख रुपए उससे आने वाले थे, अब वो आएंगे नहीं 1 लाख रुपए, तो भैया नुकसान हो गया 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख रुपए का नुकसान मैं आज ही दिखा रहा हूँ, हो सकता है फ्यूचर में दे दे, तो भैया इनडायरेक्टली मैं अपना प्रॉफिट आज कम कर रहा हूँ ना एजम्पशन के बेसिस पे, तो मैं सीक्रेट रिजर्व बना रहा हूँ। एंड इट कैन डिपिक्ट अ लोअर प्रॉफिट देन, मेरा एक्चुअल प्रॉफिट से कम प्रॉफिट आ जाता है, बिकॉज मैं एक फ्यूचर के लॉस रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, फ्यूचर का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो वो कम प्रॉफिट भी मेरा दिख सकता है। तो ये मेरी लिमिटेशन है जिसको मैं प्रूडेंस कंसेप्ट भी बोलता हूँ, कंजर्वेटिव भी बोलता हूँ। तो कंजर्वेटिव अप्रोच क्या बोलता है, फ्यूचर के जितने भी लॉसेस हैं अगर आज वो कंडीशन मीट हो गई है तो आज ही रिकॉग्नाइज कर लो, फ्यूचर का वेट मत करो। पर अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है उसको आप आज रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, फ्यूचर में होगा तब आप रिकॉग्नाइज करोगे। चलो टेस्ट करते हैं। कंपनी का एक स्टॉक है 50,000 का, उसने बनाया और उसकी मार्केट वैल्यू 45 है। कंपनी ने सामान बनाया 50,000 का, बनाया लागत है, कॉस्ट है, खरीद है उसकी 50 की, मार्केट में 45 का बिक रहा है। तो अब मैं क्या करूं, उसको रिकॉर्ड कैसे करूं, 45 पे करूं 50 पे करूं? सर एंटीसिपेटेड लॉस, 50 का माल बनाया, फ्यूचर में 45 का ही बिकेगा, आपका लॉस हो चुका 5,000 का। तो आप अपना जो स्टॉक है वो 45 पे दिखाओगे, आप यही मानोगे कि आपका जो स्टॉक जो दुकान पे पड़ा है वो 50 का नहीं है, वो 40 का है, 45 का है, बिकॉज एंटीसिपेटेड लॉस रिकॉग्नाइज मैं कर सकता हूँ। तो आई कैन रिकॉर्ड एंटी लॉस, मुझे पता है लॉस होने वाला है तो 45 में मैं रिकॉर्ड करूँगा। सिमिलरली मैंने 50 का सामान बनाया और फ्यूचर में मुझे लग रहा है 60 में बिकेगा, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करूँगा, मैं उसको 50 में ही रिकॉग्नाइज करूँगा। एंटीसिपेटेड प्रॉफिट आई विल नॉट रिकॉग्नाइज, एंटीसिपेटेड लॉस फ्यूचर में लग रहा है मुझे लॉस होने वाला है तो मैं रिकॉर्ड करूँगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3,
ऑफ द कस्टमर हैव डिफॉल्टेड द पेमेंट है 6,000 एंड ओनली 70% इज रिकवरेबल फ्रॉम हिम, व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग अप्रोच? भाई मुझे 6,000 रुपये लोगों से लेने थे, उसमें से मुझे लगता है 70% तो आराम से आ जाएगा, मतलब 4,200 तो आ जाएगा, और 30% नहीं आएगा तो 1,800 नहीं आएगा, तो 1,800 को मैं लॉस शो कर सकता हूँ। मुझे कस्टमर से 6,000 रुपये लेने थे, बट मुझे लग रहा है वो 70% तो आराम से दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30% नहीं देगा ना, आपको लग रहा है आप उसको आज ही रिकॉग्नाइज कर लो, 1,800 रुपये आज ही रिकॉग्नाइज कर लो। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। नीचे आप मुझे बताओ कि यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज होगा या नहीं होगा, मैं आपको एग्जांपल भी ये आपको दे चुका हूँ। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो यस, मैं कह कह के थक गया हूँ, लाइक और सब्सक्राइब तो हर लेक्चर को कर लिया करो, बस यही मेरी आपसे आशा है, एंड ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूँगा। अब हम लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे ये फुल डिस्क्लोजर और मैटरनिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।